स्मार्ट सिटी के सपने संजो रहे ग्वालियर शहर को स्वच्छता सर्वे में 400वां स्थान मिला। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 478 शहरों का सर्वे कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर शहर गंदे शहर में शुमार हो चुका है। कांग्रेस नेता सुधीर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को निशाना बनाते हुए कहा कि इस शहर में पिछले 40 सालों से निगम परिषद बीजेपी का कब्जा है, बावजूद इसके शहर को 400वां स्थान मिलना सारे शहर को शर्मसार करने वाली बात है। दूसरी ओर महापौर ने सफाई को लेकर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि आगे से शहर की साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? श्रीमंत महाराज सिंधिया जी द्वारा लैंडफिल साइट के लिए 11.5 करोड़ रुपए आज से 9 साल पहले दिलवाए गए और ग्वालियर मध्य प्रदेश का पहला लैंडफिल साइट वाली स्थान बना, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर और ग्वालियर के अंदर नगर निगम जो भाजपा की है उसके अंदर ये हालत है कि वो काम करने के काबिल ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन को इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए कि यहां पर लैंडफिल साइट बनी बनाई है, उसका आप मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे तो आप शहर को क्या सुधारोगे? ग्वालियर का देश के अंदर 400वां स्थान आना, पूरे देश पहले ही प्रदूषण के मामले में हम एशिया में दूसरे नंबर पर है, अब गंदगी के मामले में ना तो यहाँ पर्यटक आएंगे ना कोई आएंगे। तो मैं ये सारा समय के माध्यम से ये पहल करूंगा कि ग्वालियर में ये तत्काल व्यवस्था लागू हो और कचरा प्रबंधन जो डोर टू डोर कलेक्शन का प्रोग्राम है उसको तीव्र गति से प्रारंभ किया जाए ताकि स्वच्छता में जो ग्वालियर पर एक धब्बा लगा है उसको मिटाया जा सके। समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर 400वां स्थान है, क्योंकि ग्वालियर कई कई बहुत सारे शहरों से बहुत अच्छी तरह, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं वो तो मुझे कई बार मिलते नहीं है, वो तो उल्टी तारीफ भी करते हैं कई बार कि ग्वालियर आपका बहुत अच्छा है, प्रभावित हुए। मुझे नहीं पता क्या मापदंडों के आधार पर 400वां स्थान दिया गया है, फिर भी ये बात सही है कि अभी सफाई में गुंजाइश है, स्वच्छता और अधिक अच्छी तरह होनी चाहिए, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। लैंडफिल साइट चालू करने का प्रयास हम कर रहे हैं और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा रही है।